जिनको अस्थमा है या जिनको बार बार सर्दी खांसी जुखाम होता है, उनको क्या क्या बचाव करना है, क्या परहेज करना है और क्या खाना है, अर्थात उनको पथ्य क्या लेना है, अपथ्य क्या करना है अर्थात क्या नहीं लेना है, कौन सा योग इत्यादि करना चाहिए, आज मैं यही जानकारी दूंगा। क्योंकि यह अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर और दिसंबर में कड़ाके की ठंड आने लगती है, या जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम खांसी ये सब हो जाता है, या जिनको कभी अस्थमा था अभी ठीक चल रहे हैं, उनको क्या बचाव करना चाहिए। देखिए, जो जितने रोग मैंने गिनाए हैं, सर्दी खांसी जुखाम अस्थमा, ये सभी कफ के रोग हैं, और जिनको कफ रोग होता है उनके शरीर में फास्फोरस तत्व की कमी पाई जाती है। फास्फोरस सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से गुड़ में पाया जाता है। देखिए, आपका शरीर नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसको प्राकृतिक भोजन चाहिए, प्राकृतिक पदार्थ चाहिए। एलोपैथ से आप लोग दूर रहने का प्रयास करिए। जब आयुर्वेद में जिस चीज़ का इलाज ना हो, जिस रोग का इलाज ना हो, तब आप लोग एलोपैथ में अर्थात अंग्रेजी दवाओं का सेवन करिए, एलोपैथ में जाइए। तो जिनको ये सब रोग है या बार बार हो जाता है, तो उनको सर्वप्रथम गुड़ का सेवन करना चाहिए, और गुड़ से ज़्यादा अच्छा शहद है। यदि वो लोग शहद का सेवन करें तो और भी लाभ होता है। उनको बरसात के और ठंडी के मौसम में सुबह शाम उबला हुआ जल पीना चाहिए या हल्का गुनगुना जल पीना चाहिए। पानी उबला हुआ है तो हल्का गुनगुना रह जाए तब पिए, नहीं उबाल सकते हैं तो हल्का गुनगुना पानी पीने का प्रयास करें। सबसे पहली बात ये हो गई। शरीर को ज़्यादा ठंडा हवा नहीं लगना चाहिए, पंखी की हवा एसी की हवा से थोड़ा बच के रहें, बचाव करना चाहिए। उनको बार बार स्नान करने से या बहुत अधिक देर तक पानी में भीजने से बचना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को जिनको बार बार सर्दी खांसी जुखाम नज़ला हो जाता है। क्योंकि जल तत्व जब शरीर में जाएगा या जब जल तत्व शरीर से ज़्यादा संपर्क में रहेगा तो कफ कुपित होने लगता है। साथ में उनको जो खाद्य पदार्थ हैं, अनाज है, वह पुराना थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। जैसे दाल है तो थोड़ा एकाध वर्ष पुराना मिल जाए, चावल और गेहूं तो बड़े आराम से एकाध वर्ष पुराने मिल जाते हैं। कफ रोगियों को अर्थात ऐसे रोगियों को एकाध वर्ष पुराना अनाज का सेवन करना चाहिए, यह बहुत आराम से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, पुराने गेहूँ पुराने चावल। सब्जी जो है, साग सब्जियाँ, इनको हरा और ताज़ा उपयोग करना चाहिए, और हल्का भोजन गर्म रहे प्रयास करके तभी भोजन को वो लोग उपयोग कर लें। साथ में कफ रोगियों को घृत का सेवन अच्छा माना जाता है, परंतु यदि उस वक्त उनको खांसी आ रही हो तो उससे गले में सहरावन होता है। श्वास रोग दमा तभी होता है जब कफ और वायु एक साथ कुपित होते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। तो अनाज हो गया एक वर्ष पुराना सेवन करना है। दाल तो वो कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दाल सब्जियां पका के खाई जाती हैं। फलों का जो सेवन है, फल में हल्का जो गर्म स्वभाव के फल होते हैं, जैसे पपीता हो गया, उसका सेवन करना चाहिए। अनार का सेवन करना है तो अनार पहले हल्का सा आग पे भूंज लें, फिर उसका रस निकालें, या रस लाए हैं आप मार्केट से तो अनार के रस को हल्का सा गर्म कर लें। ईख का रस बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, जहाँ गुड़ ऐसे रोगियों के लिए हितकारी है वहीं ईख का रस हानिकारक है। मिश्री का सेवन ऐसे रोगियों को नहीं करना चाहिए, परंतु सीतोपलादि चूर्ण में मिश्री आदि मिला रहता है तो वो औषधियों का योग होता है, और ऐसे व्यक्तियों को अदरक का सेवन करना चाहिए, गिलोय का सेवन करना चाहिए, गिलोय की काढ़ी का सेवन करना चाहिए, या गिलोय घनवट्टी का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद का जो ब्रह्मास्त्र है वह गिलोय, गुरुचि, तुलसी, ये सब आयुर्वेद के ब्रह्मास्त्र हैं। क्योंकि जो गिलोय होता है शरीर के तीनों प्रकार के दोषों को नष्ट करता है, चाहे वायु रोग हो, चाहे पित्त रोग हो, या कफ रोग हो, सबको शांत करता है। लेकिन गिलोय जब भी लें ऐसे व्यक्ति, या तो गिलोय टेबलेट अर्थात गिलोय घनवट्टी लें, या फिर गिलोय का क्या नाम से काढ़ा लें, उसमें आप तुलसी इत्यादि, गुड़ इत्यादि डाल सकते हैं,
मुलेठी हल्का सा डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आप गिलोय की काढ़े में डाल करके आप बढ़िया से काढ़ा बना लीजिए, काढ़ा का प्रयोग करें। फ्रिज के खाद्य पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि फ्रिज में जब आप कोई पदार्थ रखते हैं तो ठंडा होने के बाद में उसमें कफ का प्रकोप हो जाता है, अर्थात शीतलता आ जाती है, कफ अर्थात शीतलता। तो जब शीतलता आ जाएगी उन पदार्थों को आप सेवन करेंगे तो हानिकारक हो जाएंगे। अमरूद इत्यादि हैं तो अमरूद का यदि आप सेवन करना चाहते हैं तो हल्का सा भूंज करके सेवन करें। कफ रोगियों को, सर्दी खांसी जुकाम वालों को केला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सेब का प्रयोग आप कर सकते हैं और ठंडे पानी से भी इनको बचना चाहिए। ये सब सामान्य खाद्य पदार्थ हैं। जल भी प्रयास करके जितना देर गुनगुना जल पी सकेंगे, हल्का गर्म भोजन कर सकेंगे तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठंडे स्थानों पर उनको अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। और ख़ास करके जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के ऊपर कफ का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ठंडे पदार्थों से ज़्यादा बचाव करना चाहिए, क्योंकि कम आयु के व्यक्तियों का कफ कुपित रहता है और जवान व्यक्तियों का पित्त कुपित रहता है और वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादातर वायु दोष कुपित होता है। साथ में जो लोग प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उनको वायु दोष और कफ दोष में काफ़ी लाभ होता है। जिनको सर्दी खांसी जुखाम है उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले सीधे बैठ जाएं और उसके बाद में दाहिने नासिका को दबाएं, बाएं नासिका से सांस लें, फिर उसको दाहिने नासिका से उस सांस को छोड़ें, फिर दाहिने नासिका से वापस सांस लें, फिर बाएं नासिका से छोड़ें, फिर बाएं नासिका से वापस सांस लें, फिर दाहिने से छोड़ें। इस प्रकार एकदम धीरे धीरे करना है। जितना धीरे आप करेंगे अनुलोम विलोम, उतना अधिक अनुलोम विलोम से आपको फायदा होगा। साथ में मैं आपको फेफड़े के लिए, चूंकि देखिए सर्दी खांसी जुकाम सबसे ज़्यादा जो हानि पहुँचाता है हमारे चेस्ट को, चेस्ट में भारीपन लगने लगता है और वजन वजन लगने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है सर्दी जुकाम खांसी वाले लोगों को, या कभी कभी फेफड़े में घाव भी हो जाते हैं खांसते खांसते, कफ आने लगता है या कफ के साथ में खून भी आने लगता है। तो जो ऐसे रोगी हैं उनको प्राणायाम के साथ में मैं एक योग अभ्यास बता देता हूँ फेफड़े के लिए योग, उसको करेंगे तो उससे उनके फेफड़े का इन्फेक्शन भी दूर होगा, फेफड़े को बल मिलेगा, फेफड़े की एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी यदि कसरत करता है, जिम में जाते उसके मसल्स सुडौल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम योग इत्यादि करते हैं किसी अंग विशेष के लिए तो वह अंग मजबूत होता है। तो फेफड़े के लिए योग क्या है, सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे कर लें, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोलना है, फिर सांस को बाहर निकालते हुए, नाक से सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को फिर से क्लोज करना है, बंद करना है, पुनः सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोलना है, फिर इन दोनों हाथों को बंद करते हुए सांस को बाहर करना है। ऐसे सुबह सुबह प्रातः काल उठ के करने से 50 बार या 100 बार इस क्रिया को दोहराने से फेफड़े मजबूत होते हैं और फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है, फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, पूरा फेफड़ा खुलने से पूरे फेफड़े का एक्सरसाइज हो जाता है। साथ में फ्रिज का ठंडा पदार्थ आपको नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा तेल मसालों का सेवन नहीं करना है। सर्दी खांसी जुकाम अर्थात कफ रोगियों को अजवाइन, अजमोद, नीम की छाल, हल्दी इत्यादि औषधियों का, इत्यादि खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। साथ में योग अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। ये सब बचाव का दृष्टिकोण है, इनसे अवश्य में लाभ होता है, इन सब बचाव से आप लोग लाभ लीजिए। साथ में यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको किसी रोग की जानकारी चाहिए, किसी औषधि की जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत